एयर फोर्टी डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाके फिर कूल cool हो चुकी थर्टी देन ट्वेंटी में चले गया तो ये नॉर्मल कंडीशन है अब ये कंडीशन अगर रिवर्स हो जाती है मतलब कि ऊपर जाते हुए इस एयर मास का या फिर एनवायरमेंट का बेसिकली अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है यानी कि सपोज यहाँ पे थर्टी डिग्री सेल्सियस था हम ऊपर गए थोड़ा एलिवेशन पे तो थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस हो गया फोर्टी डिग्री सेल्सियस हो गया तो इस कंडीशन को हम कहते हैं का इन्वर्जन हो जाना तो यहाँ पे कूल एयर एट द सरफेस इज ओवरलेड बाय अ लेयर ऑफ वार्मर एयर एयर कूल जो सरफेस में होती है, जब की आ जाती है। पहले हम नॉर्मल कंडीशन देखते हैं तो नॉर्मल कंडीशन में पहले क्या है वार्मर एयर है यहाँ पे गर्म है ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस फिर कूलर एयर है इससे लो टेम्परेचर फोर्टीन है फिर कोल्ड एयर मतलब इससे भी ज्यादा कम टेम्परेचर आ गया टू डिग्री सेल्सियस माइनस फोर तो नीचे गर्म एयर होगी फिर उससे थोड़ा कम टेम्परेचर और फिर और भी ज्यादा कम टेम्परेचर तो टेम्परेचर यहाँ पे कंटिन्यूसली कम होते जाएगा नॉर्मल कंडीशन में बट जब इन्वर्जन की कंडीशन आती है तो वहां पे कूल cool एयर है नीचे और कोल्ड एयर ऊपर है यानी कि यहाँ पे ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर एयर का और यहाँ पे फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस है लेकिन यहाँ पे वॉर्मर एयर है इसका थर्टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया अगर इन दोनों से ज्यादा तो ये है वार्मर एयर इसको अब यहाँ पे ये जो लेयर बन चुकी है एयर की जो गर्म है इसी को हम बोलते हैं इन्वर्जन की लेयर अब जो पहली कंडीशन थी उसमें अगर कोई पॉल्यूटेंट्स इमिट होते हैं तो पॉल्यूटेंट जो होते हैं उनका टेम्परेचर ज्यादा होता है सपोज कि 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था जो इंडस्ट्रीज से गैसेस इमिट होती है निकलती है वो काफी गर्म होती है सपोज 50 डिग्री सेल्सियस था अब वो ऊपर जाके थोड़ा सा ठंडा हुआ 40 डिग्री सेल्सियस हुआ लेकिन यहाँ पे भी एनवायरमेंट ठंडा हो चुका है तो क्योंकि ये वार्म है और हल्की है तो ये ऊपर जाते रहेगा इस कंडीशन में लेकिन यहाँ पे क्या है इस लेयर का टेम्परेचर ज्यादा हो चुका है सपोज इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे आते आते ये जो एयर निकली थी इंडस्ट्री से वो 30 डिग्री सेल्सियस पे कूल हो चुकी है थर्टी डिग्री सेल्सियस है अब इस इंडस्ट्री से निकलने वाले जो एयर पोल्यूटेंट है उसका टेम्परेचर थर्टी डिग्री सेल्सियस है और लेकिन यहाँ पे और भी गर्म हवा आ चुकी है फोर्टी डिग्री सेल्सियस तो अब ये ऊपर मूवमेंट इसका नहीं हो सकता है तो ये नीचे ही रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा इस लेयर में तो इन्वर्जन होने की वजह से इस तरीके से जो एयर पोल्यूटेंट है वो भी मूवमेंट नहीं कर पाते हैं इफेक्ट इसके क्या क्या होंगे इन्वर्जन के एयर का जो अपवर्ड मूवमेंट है वो रुक जाता है एयर का मूवमेंट नहीं हो पाता है, वो इन्वर्जन लेयर के नीचे ही रह जाती है तो डिफ्यूजन ऑफ डस्ट स्मोक एयर पोल्यूटेंट डिफ्यूज नहीं हो पाएंगे वो इस इन्वर्जन लेयर के नीचे ही रहेंगे तो यहाँ पे जितने भी से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको वो इम्पेक्ट करेंगे क्योंकि वो ऊपर डिस्पर्स नहीं हो पा रहे विजिबिलिटी रिड्यूस हो सकती है क्योंकि जो लेयर नीचे ही रह चुकी है उसमें काफी ज्यादा पॉल्यूटेंट्स हैं और वो एक तरीके का फॉगी कंडीशन बना देता है वो कम कर सकते हैं आइडियल कंडीशन क्या क्या होता है टेम्परेचर इन्वर्जन किन कंडीशन में होता है सबसे पहले तो अगर लॉन्ग नाइट्स लॉन्ग नाइट्स कब होती है विंटर के टाइम पे होती है तो विंटर के टाइम में जो अर्थ का सरफेस है अर्थ रीरेडिएट करती है एनर्जी को वापस स्पेशली uh, दिन के टाइम पे तो सोलर एनर्जी आ रही है सन से एनर्जी आ रही है तो हीट रहता है अर्थ पे लेकिन नाइट के टाइम पे अब ये सोलर एनर्जी नहीं आ रही है और अर्थ से बाहर जा रही है एनर्जी तो धीरे धीरे अर्थ ठंडी होने लगती है अर्थ का ये सरफेस है वो ठंडा हो जाएगा तो इस वजह से इन्वर्जन होता है एक तो ये कंडीशन है दूसरी कंडीशन ये है कि क्लियर स्काई होना चाहिए अब यहाँ से जो हीट बाहर जा रही है अगर यहाँ पे क्लाउड्स प्रेजेंट हैं, तो वो क्लाउड्स उस हीट को ट्रैप कर लेंगे यहाँ पे तो इन्वर्जन नहीं होगा लेकिन अगर क्लियर स्काई है ये क्लाउड्स नहीं है तो सारा रेडिएशन बाहर चले जाएगा दूसरा काम एंड स्टेबल एयर अगर है है मतलब जो एयर प्रेजेंट उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है है तो वो भी कंट्रीब्यूट करता इन्वर्जन के लिए नाउ इन्वर्जन के टाइप्स सबसे पहला है ग्राउंड इन्वर्जन अब ग्राउंड इन्वर्जन कैसे होता है सपोज ये एक ग्राउंड है जो ग्राउंड इन्वर्जन है मेनली ये होता है क्लियर नाइट्स में जब यहाँ पे कोई भी क्लाउड्स नहीं होते हैं तो नाइट टाइम पे रेडिएशन uh, बाहर जा रही है इंफ्रारेड रेडिएशन अर्थ से बाहर जा रही है और उसको रोकने के लिए क्लाउड पे नहीं प्रेजेंट है तो ये जो जमीन है यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं तो वो एयर मॉलिक्यूल्स इस आउटगोइंग रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे तो यहाँ पे जो एयर है वो थोड़ा वार्म हो जाएगी लेकिन जो ग्राउंड है वहां से सारा का सारा रेडिएशन बाहर जा रहा है तो ये जो ग्राउंड है वो काफी ज्यादा कूल cool हो जाता है कोल्ड ग्राउंड अब कोई भी एयर मास किसी और जगह से आ रहा है यहाँ पे तो इस कोल्ड ग्राउंड के साथ में जब वो कांटेक्ट में आता है तो वो एयर भी ठंडी हो जाती है तो यहाँ पे कूल cool एयर नीचे है और इसके ऊपर फिर एक वार्म एयर का लेयर बन चुका है तो इस तरीके से यहाँ पे इन्वर्जन हो जाता है अगर टेम्परेचर एयर का ड्रॉप करता है ड्यू पॉइंट से नीचे तो फॉग भी यहाँ पे बन सकता है जो एयर है अभी एयर यहाँ पे आती है किसी और जगह से और ये यहाँ पे आके बहुत कूल हो जाती है इसमें मॉइस्चर भी प्रेजेंट होगा तो काफी ठंडी होने की वजह से यहाँ पे कंडेंसेशन हो जाता है कंडेंसेशन जो वाटर के वेपर है वो वाटर ड्रॉपलेट्स बना देते हैं और उससे बन जाता है फॉग फॉग तरीके का बन जाता है पे ग्राउंड लेवल पे फॉग बन जाता है बिकॉज ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर जो प्रेजेंट था इसमें तो ये जो इस तरीके का फॉग बनता है इन्वर्जन की वजह से जब सनलाइट आती है दूसरी नेक्स्ट डे तो फिर ये खत्म हो जाता है अब दूसरी टाइप का जो टेम्परेचर इन्वर्जन है इंटर माउंटेन वैलीज जो माउंटेन वैलीज होती हैं उनमें भी इन्वर्जन होता है अभी ये किस तरीके से होता है

एयर प्रेजेंट है इस एलिवेशन पे ये एयर एयर है है वार्म अब ये जो है, ये जो काफी कोल्ड होने की वजह से डेंस हो हो जाती 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 है 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 और और भारी ये माउंटेन में नीचे आ जाती है. तो जब ये नीचे आ जाती है तो नीचे तो ठंडी एयर आ गई कोल्ड और उसके ऊपर वार्म एयर पहले से ही प्रेजेंट थी तो यहाँ पे इन्वर्जन की कंडीशन बन जाती है जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे यहाँ से जो आने वाली अः एयर है उसका टेम्परेचर था फोर डिग्री सेल्सियस ये एयर आ जाती है यहाँ पे तो यहाँ पे फोर डिग्री सेल्सियस हो जाता है जबकि यहाँ पे पहले से जो एयर प्रेजेंट था उसका टेम्परेचर था एट डिग्री सेल्सियस से टेन डिग्री सेल्सियस तो नीचे कूल cool एयर आ गया और इसके ऊपर वार्म एयर आ गया तो यहाँ पे एक इन्वर्जन की लेयर यहाँ पे बन जाती है अब अगर यहाँ पे कंडेंसेशन होता है इस एयर में तो यहाँ पे भी फॉग बन सकता है नेक्स्ट इन्वर्जन अब ये इन्वर्जन कब होता है जब कोई कोई भी एयर 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 है है इट लेयर ऑफ डिसेंट्स सपोज और ये नीचे आ रही है ये बहुत ज्यादा हैवी हो चुका है और इसमें किसी भी वजह से सब्सिडेंस हो रहा है मतलब कि अब ये ऊपर नहीं जा रहा है ये नीचे आ रहा है तो नीचे आएगा तो ये पहले 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था इसका फिर टेम्परेचर ये क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा इसका डिग्री सेल्सियस फिर ये और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो थर्टी डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हो जाएगा तो होगा क्या कि नीचे जो ग्राउंड है उसमें कूल cool एयर है और ऊपर यहाँ पे एक वार्म एयर की लेयर बन जाती है तो यहाँ पे भी इन्वर्जन वाली कंडीशन हो जाती है तो जब ये इन्वर्जन वाली कंडीशन यहाँ पे आता है तो ये जो एयर एयर मास है इसमें भी रेनफॉल नहीं होगा. होता है? जब उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है अब उसमें कंडेंसेशन नहीं होता तो फिर वहां पर रेनफॉल भी नहीं होता तो ये भी एक तरीके का इन्वर्जन है सब्सिडेंस इन्वर्जन सब्सिडेंस इन्वर्जन नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट्स में काफी कॉमन है स्पेशली विंटर के टाइम पे ये सब ट्रॉपिकल एरियाज में जो हाई प्रेशर वाली एरिया यहाँ पे काफी ज्यादा मिलता है यहाँ पे जब एयर आती है इक्वेटोरियल रीज़न से और पोलर फ्रंट ये यह सबसाइड होती है नीचे जाती है यहाँ पे तो ये इनवर्जन का लेयर यहाँ पे बन जाता है Then, फ्रेंटल इन्वर्जन. फ्रेंटल इन्वर्जन, इसमें होता ही है कि दो टाइप के एयर मास है सपोज एक है कूल एयर ये है कूल एयर ये है हमारा अर्थ और इक्वेटोरियल रीजन में ट्रॉपिकल एरिया में जो एयर मास होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा यानी कि वो वार्म एयर है और जो टेम्परेट एरिया में जो एयर होगी वो कूल एयर होगी उसका टेम्परेचर कम होगा अब ये दोनों एयर मास एक साथ अगर आ जाते हैं इस तरीके से तो जो कूल एयर है वो वार्म एयर को ऊपर कर देती है और उसके नीचे आ जाती है तो यहाँ पे वार्म एयर और उसके नीचे, नीचे कूल एयर आ जाती है यानी कि टेम्परेचर ऊपर ज्यादा है और नीचे कम है तो ये एक इन्वर्जन की कंडीशन बन जाती है यहाँ पे तो चार टाइप के इन्वर्जन मैंने आपको बताया पहला है रेडिएशन इन्वर्जन जो कि कूल विंटर नाइट में होता है जबकि सारा जितना भी रेडिएशन है वो सब बाहर चले जाता है एनर्जी बाहर चले जाती है और जो ग्राउंड है वो बहुत ज्यादा कूल cool होता है यहाँ पे एयर जो प्रेजेंट होती है वो आउट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से थोड़ा वार्म होती है तो अगर कोई एक्सटर्नल एयर यहाँ पे आती है और इस ग्राउंड के नजदीक में वो आती है तो उस ये भी कूल cool हो जाती है तो कूल cool एयर के ऊपर वार्म एयर की लेयर बन जाती है तो जिससे इन्वर्जन होता है जिसको हम रेडिएशन इन्वर्जन कहते हैं वैली इनवर्जन जो माउंटेन है माउंटेन के ऊपर वाले एरिया में जो एयर होती है वो बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाती है और जब ये एयर नीचे आ जाती है भारी होके तो यहाँ पे भी कूल cool एयर हो जाता है फोर डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे पहले जो एयर प्रेजेंट थी उसका टेम्परेचर इससे हाई होता है एट डिग्री या टेन डिग्री कुछ भी हो सकता है तो यहाँ पे भी एक इन्वर्जन हो जाता है इसको हम बोलते हैं वैली इन्वर्जन जहाँ पे कि एयर नीचे आने की वजह से गर्म हो जाती है टेम्परेचर अब इसका हाई है तो यहाँ पे वार्म एयर है जहाँ जो जो पह, नीचे पहले से ही एयर प्रेजेंट थी वो कूल cool एयर थी तो कूल cool एयर के ऊपर वार्म एयर आ गया तो ये एक इन्वर्जन बन जाता है सबसे डेंस इन्वर्जन देन फ्रंटल इन्वर्जन जहां पे दो टाइप के एयर मास आपस में मिलते हैं एक तो कोल्ड एयर और वार्म एयर जहाँ पे मिलेंगे तो जो कोल्ड एयर है वो वार्म एयर को ऊपर उठा देती है तो ऊपर वार्म एयर और नीचे कोल्ड एयर तो वहाँ पे भी एक इन्वर्जन बन जाता है ज्योग्राफी सीरीज को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए आप हमारे अफोर्डेबल कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं हमें कांटेक्ट करने के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और कांटेक्ट थ्रू अवर वेबसाइट वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स